सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। आज वट सावित्री है और ये सावित्री और सत्यवान की कहानी है, कथा है। जैसे कहते हैं तीजा करवा चौथ, और वैसे ही ये सती सावित्री अपने जो पति को मरणासन होने के बाद भी वापस ले आती है, उस विषय पर एक कथा है। बहुत सुंदर कथा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम व्रत करें तो पति की आयु बढ़ जाएगी, एक श्रद्धा है। और ये सत्य होता है कि अगर उनके ऊपर कोई संकट है तो छोटा हो जाता है, वो संकट टल जाता है, ये हम कर सकते हैं, और ये भगवान उस दुआ के माध्यम से सुन लेते हैं। तो हम तो यही कहेंगे आज के दिवस में कि हर कोई इस खबर को दूर तक फैलाओ और प्रकृति की सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो, क्योंकि प्रकृति को जो हम देते हैं वो हमको वापस देता है। तो मैं तो अपने विनम्र जो भी हमको सुन रहा है उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि गमले में नहीं, आप मिट्टी में एक पौधा रोपो। गमले का पौधा तो फस गमले तक रहता है, मिट्टी में वो पौधा रोपेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों तक जाएगा और आपको छाया भी देगा, फल भी देगा, फूल भी देगा, और बारिश को, वातावरण को संतुलित रखेगा। तो इस तरीके से पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। और ये सिर्फ पति के लिए नहीं होता है, ये जो हम तीजा करती हैं, हम करवा चौथ करती हैं, हम वट सावित्री का पूजन करती हैं, इसमें पति के साथ साथ पूरे कुटुंब के लिए हो जाता है, बच्चों के लिए भी होता है, परिवार के लिए होता है, स्वयं अपने लिए भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये व्रत, हम हिंदुओं का, यह सनातनियों का जो कहते हैं ना कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, इसमें प्रकृति का ही पूजा है। वृक्ष प्रकृति का रूप है, मिट्टी प्रकृति का रूप है। इस तरीके से हम आज का पूजा सम्पन्न करती हैं।